अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों में बरोज़ मंगल कोयटा में कम्बरानी रोड पे एक पेट्रोल टैंक खाली हो रहा था, तो उस दौरान जब गाड़ी खाली हो रही थी तो उसको आग लग चुकी थी। जब आग लगी तो उस गाड़ी का ड्राइवर होनहार माशाल्लाह मर्द मुजाहद फैसल भाई उधर से भागे, फौरन गाड़ी को स्टार्ट किया है, गाड़ी को पंप से निकाला है, थोड़ा आगे गए तो आगे फिर वो आबादी, क्योंकि मैं ट्रक चलाता हूँ मुझे पता है उधर वाकई बहुत आबादी है, बहुत रश होता है, तो उन्होंने गाड़ी उधर से निकाली, आगे आबादी थी, आबादी को क्रॉस करते बाहर निकलते उनको 3 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा। उस 3 किलोमीटर के दौरान उन्होंने अपने आप को समझो कि मौत, खुद मर चुके थे समझो कि, वो ऐसा टाइम था कि वो उधर नामुमकिन था बचना उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ जो आवाम थी उनका ख्याल किया, उन्होंने अपने आप का, अपनी जान का ख्याल नहीं किया। 4 माह हुए थे उनकी शादी को, अपनी बीवी का, अपने वालदेन का भी ख्याल नहीं किया। इस कौम की खातर उन्होंने माशाल्लाह के साथ वाली जो अवाम है उनको नुकसान ना पहुंचे। तो वीडियो आज दूसरी दफ़ा मुझे बनानी नहीं थी लेकिन मुझे बनाने पे मजबूर किया गया। बहुत सारे ड्राइवर मुझे मिले, हमारे जो कंपनी में जो ड्राइवर हैं वो बोलते हैं यार ऐसा उन्हें की कर देता, ये करता वो करता है, हमें सारे कर लेने दें। भाई मैं गाड़ी को आग लगाता हूँ, तुम चला के दिखाओ, चैलेंज यार। कम अज़ कम तुम किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो तुम्हें ये हक़ भी नहीं है कि उसकी बहादुरी पे, उनके हौसले पे तनकीदें करना भी आपका हक़ नहीं है। ऐसे ड्राइवर मुझे मिले हैं कि कह रहे हैं यार एडी केड़ी गल है, इंज की करता उन्हें, इंज करता ये करता वो करता। यार उन्होंने बहुत किया, उन पे पाक आर्मी प्राउड फील कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हर बंदा उन पे प्राउड फील कर रहा है। तो ये पता नहीं किस नेचर के इंसान है जो कह रहे हैं यार एडा की हो गया सी, ये हो गया तो वो हो गया। अल्लाह ताला ने फैसल भाई के हाथों कितने लोगों का दिफा करवाया है। हम और आप यही समझते हैं ना कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस बात पे यकीन है तो फिर ये समझो कि अल्लाह ताला ने फैसल भाई को चुन लिया, उधर के जो लोग थे, जो इंसान थे उधर रह रहे थे, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी दिफा के लिए फैसल भाई को चुन लिया। फिर हम और आप कौन होते हैं फैसल भाई पे तनकीदें करने वाले, कह रहे हैं यार इंज उंज। तो फैसल भाई हम सब आप पे अप्राउड फील कर रहे हैं और कुछ कम ज़र्फ लोग आपकी इस बहादुरी पे आपको अदाद देने के बजाय मतलब ऐसे ऐसे बैड कमेंट्स कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। भाई सलाम है फैसल भाई आपको, और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करें। तो मैंने कल वीडियो में भी बोला कि आपके लिए मैं जब भी कोयटा आया तो गिफ्ट छोड़ूंगा, तो इंशाल्लाह अभी मैं मार्केट के लिए निकलूंगा, मार्केट निकलूंगा, बाज़ार जाऊंगा, उधर से आपके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ख़रीदूंगा। तो जब भी मेरा कोयटा का चक्कर लगा, हम आते रहते हैं खुशदार नुश्की, कल भी मैंने वीडियो में बताया था जरकून कलात खुशदार, उसके बाद नुकंडी दलबदीन ताफ्तान बॉर्डर तक हम जाते हैं बरास्ता यही कोटा बलूचिस्तान वाला, इधर से सीधा सखर की तरफ निकलते हैं। तो जब भी फैसल भाई मैं आया मैं आपके लिए उधर गिफ्ट ज़रूर छोड़ूंगा, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और ट्रक ड्राइवर जितने भी हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान को चलाने में आर्मी के बाद कोई बड़ा हाथ है तो वो ट्रांसपोर्ट का है, और ट्रांसपोर्ट को चलाने वाले जो ट्रक ड्राइवर हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है, इस कौम की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको शादो आबाद रखे, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बकाया मैं अपना वादा इंशाल्लाह पूरा करूँगा। मैं जब भी कोटा गया
फैसल भाई का गिफ्ट उधर ज़रूर छोड़ूंगा। तो ज़िंदगी बाकी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।